हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक और नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है तेह्यून से, जो अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर में उसकी गर्लफ्रेंड आती है, इसका नाम यूना होता है। यूना को कैप पहने देखकर वो पूछता है कि तुमने कैप क्यों पहनी है। यूना कहती है कि आज मैंने बाल नहीं धोए हैं। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या आज तुम नहाकर नहीं आई हो। ये सुनकर यूना का मूड ऑफ हो जाता है। फिर यूना उसे अपने फोन में एक जगह दिखाते हुए वहाँ चलने के लिए कहती है, लेकिन तेह्यून वहाँ जाने से मना कर देता है। यूना दूसरी जगह चलने के लिए कहती है तो तेह्यून वहाँ के लिए भी मना कर देता है। यूना चिढ़ते हुए कहती है कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है। मेरी बताई हुई सही जगह जाने से तो तुम मना ही कर रहे हो। तेह्यून उसे मूवी चलने के लिए कहता है। यूना कहती है कि तुम्हारे मन में जो आए वो करो। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने पहुंचते हैं। यूना ने मुंह फुलाया होता है। अब दोनों सीरियसली बैठकर कॉमेडी मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों को मूवी देखते हुए हंसी आने लगती है। मूवी के बाद दोनों साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। यूना अभी भी तेह्यून से रूठी हुई होती है। टेस्टी खाना देखकर दोनों के मुंह में पानी आने लगता है। तभी अपने फोन में देखकर तेह्यून कहता है कि देखो, पास में ही एक मीटर लंबी कमीज मिल रही है। वो यूना को फोन दिखाता है, लेकिन यूना रिएक्ट नहीं करती। वो कहता है कि तुम्हें तो कमीज बहुत पसंद है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो। ये सुनकर यूना उसे वहाँ चलने के लिए हाँ कहती है। तेह्यून हंसते हुए कहता है कि तुम तो सच में इसे ट्राई करना चाहती हो। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को एक मीटर लंबी कमीज के साथ देखते हैं। तेह्यून कहता है कि ये तो लगभग तुम्हारी हाइट के बराबर है। यूना कहती है कि ये इतनी लंबी भी नहीं है। फिर तेह्यून गमी के पैकेट को फाड़ता है। यूना कहती है कि तुम्हें इसे ढंग से साइड की तरफ से फाड़ना चाहिए था। तेह्यून कहता है कि हमने इसे खाना ही तो है। यूना कहती है कि मैं इसे अपनी तरह से फाड़ना चाहती थी। तेह्यून उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहता है कि तुम बस इसे इंजॉय करो। फिर वो यूना को गमी खाने के लिए देता है। यूना बोलती है कि ये बहुत टेस्टी है। तेह्यून भी गमी खाकर कहता है कि ये तो सच में बहुत टेस्टी है। थोड़ी देर बाद तेह्यून गमी का एक सिरा खुद खाता है और दूसरा सिरा यूना को खाने के लिए देता है। दोनों इसे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दूसरे के बिल्कुल पास आने के बाद तेह्यून अचानक से यूना की कैप निकाल देता है। यूना चिढ़ते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें मेरी कैप निकालने से मना किया था। तेह्यून उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने कितने दिनों से अपने बाल नहीं धोए हैं। फिर वो उसके बालों को सूंघकर मुंह बनाते हुए कहता है कि ऐसी स्मेल तो मैंने कभी नहीं सूंघी। यूना अपनी कैप वापस पहनते हुए चिल्लाती है कि इसलिए मैं कैप नहीं उतार रही थी। तेह्यून कहता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। यूना कहती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने मेरी कैप क्यों निकाली। तेह्यून कहता है कि मैं तो बस तुम्हें किस करना चाहता था। यूना कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। तेह्यून कहता है कि तुम सोच समझकर अपने वर्ड्स यूज करो। यूना कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है, क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो। तेह्यून पूछता है कि क्या तुम मुझे धमका रही हो, क्या तुम सच में ब्रेकअप करना चाहती हो। यूना कहती है कि तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। इसके बाद दोनों अपने में बिजी हो जाते हैं। दो तीन दिन बाद यूना अपने फोन में देखते हुए कहती है कि तेह्यून अपने सोशल मीडिया पर स्टोरीज डालने में बिजी है, लेकिन अभी तक उसने मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया। वो अपनी फ्रेंड को फोन दिखाते हुए कहती है कि क्या वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। यूना कहती है कि वो बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड से जीतकर भी उसे क्या मिल जाएगा। यूना कहती है कि प्यार में हारने का मतलब जीतना होता है, लेकिन उस पागल को ये बात नहीं पता है, वो बहुत घमंडी है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें उसे पूरा कंट्रोल करना होगा, तुम्हें ऐसा करना होगा कि तुम्हारे कहे बिना वो हिले तक नहीं। यूना पूछती है कि मैं ऐसा कैसे करूं। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें अपनी पूरी अकड़ में रहना होगा, भले ही तुम्हारे ब्रेकअप तक की नौबत क्यों ना आ जाए, तुम्हें टिका रहना होगा। उसने अभी तक तुम्हें मैसेज नहीं किया है, तुम उसे तब तक रिप्लाई मत करना जब तक कि वो खुद पहले तुम्हें मैसेज नहीं कर देता। ये सुनकर यूना भी अपना पूरा मन बना लेती है। वो कहती है कि अब हम देखते हैं कि कौन जीतता है। नेक्स्ट सीन में हम यूना को तेह्यून की कॉल का वेट करते हुए देखते हैं। वो अपने फोन को देखते हुए सोचती है कि जल्दी से मुझे कॉल करो। कॉल आने पर तुरंत ही खुश होकर वो अपना फोन उठाती है। तेह्यून की कॉल देखकर वो सोचती है कि आखिर मैं जीत ही गई, और इसी खुशी में वो डांस करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सीरियस फेस बनाकर कॉल उठाती है। तेह्यून पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। वो नीरस सी टोन में कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही थी। तेह्यून पूछता है कि क्या तुम कल बिजी हो।
वो कहती है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तेयून पूछता है कि क्या कल हम मिल सकते हैं? वो कहती है कि हाँ हम मिल सकते हैं। नेक्स्ट डे वो तैयार होकर तेयून से मिलने जाती है। वो सैड सा फेस बनाकर आती है। तेयून कहता है कि बताओ आज हम कहाँ चलें? वो कहती है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। तेयून उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? वो कहती है कि बस ऐसे ही। तेयून उसका हाथ अपनी जेब में डालता है। ये देखकर यूना पूछती है कि ये क्या है। जब वो उसकी जेब से हाथ बाहर निकालती है तो उसके हाथ में गमी का लॉन्ग पैकेट होता है। तेयून कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लास्ट टाइम तुम अपसेट हो गई थी। वो कहती है कि मैं अपसेट नहीं हुई थी बल्कि मैं गुस्सा हुई थी। तेयून कहता है कि हाँ हाँ तुम गुस्सा ही हुई थी। वो उसके गाल खींचते हुए कहता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, चलो अब अपनी गलती के लिए सॉरी कहो। यूना कहती है कि मैंने क्या गलती की? तेयून कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है? यूना उसे देखते हुए कहती है कि मुझे पता है। तेयून कहता है कि अब? फिर यूना उसे सॉरी कहती है। तेयून कहता है कि देखा ये इतना मुश्किल भी नहीं है। यूना कहती है कि तुम भी सॉरी बोलो। तेयून उसे हाथ जोड़कर सॉरी कहता है। यूना हंसते हुए कहती है कि तुम ढंग से माफी मांगो। तेयून उसे हक करके सॉरी कहता है। यूना सोचती है कि एंड में मैं ही गलत साबित हुई। इसके बाद दोनों साथ में गमी खाते हैं। दोनों फिर से गमी के लिए लड़ने लगते हैं और इसी तरह उन दोनों की खट्टी मीठी लड़ाई के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।